well traveler. It's a beautiful Sunday morning और मुझे ऐसा लगा कि आज मैं दिल्ली में vlog करती हूँ because बहुत ज़्यादा time हो गया है and क्योंकि Sunday का दिन है मुझे लगा एक casual सी vlogging करती हूँ where I'll be taking you guys to few of my favorite places in Delhi. So right now the place I'm standing at it's called Jain chawal wale. कहने को तो ये चावल वाले हैं but इनके जो जगह है ये पराठों के लिए बहुत ज़्यादा famous है. अच्छा talking about this place, it's in Connaught Place, बाबा खड़क सिंह मार्ग पे है. Nearest landmark is PVR Rivoli और यहाँ पे आने के लिए आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के 7 नंबर गेट से एग्जिट लेनी पड़ेगी. ओके सो अनदर थिंग इज दैट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज दैट दिस प्लेस ओपन्स अप अराउंड 4 in the morning और रात को 1 बजे तक ओपन रहती है. तो कभी भी आपको अर्ली मॉर्निंग भूख लगे या फिर लेट नाइट हंगर पैंग्स हो दिस इज योर प्लेस. सो राइट नाउ आई एम गोना गो एंड हैव माय पराठा एंड आफ्टर दैट आई विल टेक यू टू अनदर प्लेस. कम भैया एक ऑर्डर, एक आलू प्याज पराठा, एक पनीर पराठा और 2 चाय. एक चाय फॉर मी अनदर फॉर द कैमरामैन. सो 1 पनीर पराठा, 1 आलू प्याज पराठा एंड 2 चाय सिर्फ 140 रुपये में इकोनॉमिकल है. अच्छा वन थिंग आई वॉन्ट टू से दैट कि यू नो दिस प्लेस इज़ वेरी बेसिक सो डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फैंसी हियर. इनफैक्ट जगह भी नहीं है ढंग से खड़े होके खाने के लिए तो मेक श्योर यू हैव स्ट्रेंथ इन योर हैंड टू होल्ड द पराठा एंड द चाय. सो दिस इज द पराठा और एज ही सेड कि सब्जी आपको खुद से उठाना है. दिस लुक्स यम, कांट वेट रियली. मस्त थोड़ा बिल्कुल संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए. लुक एट द क्वांटिटी ऑफ बटर. सो मैंने खाया फुल ऑन 1 पनीर का पराठा विद लॉट्स ऑफ बटर एंड 1 कप ऑफ चाय. नाउ आई एम हेडिंग टू अग्रसेन की बौली बिकॉज वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो यह लेट्स गो एंड चिट चैट देयर. कम अग्रसेन की बावली जाओगे कितना भैया? 40 ले भैया, सब चक्कर ही मारो, मीटर ऑन कर लो. इतना 40 रुपये दूंगी मैं. चलो बार्गेनिंग करने की ना पीएचडी कर रखी ना मैंने. बीट इन द मार्केट्स और विद द ऑटो वाला. टिप्स चाहिए तो बताना, मैं बताऊंगी कैसे करते हैं बार्गेनिंग. कॉन्फिडेंस होनी चाहिए. Guys, we have reached Agrasen की बाउली. इसको उग्रसेन की बाउली भी बोलते हैं. This place is at हेली रोड, CP से पास ही है. इनफैक्ट मैं जैन चावल वाले के यहाँ से यहाँ पे आई हूँ एंड आई पेड 40 रुपीज़ ऑटो वाले को. जैसा कि आपने देखा मैंने कितनी मस्त वाली बार्गेनिंग की है. सो आई एम गोइंग इन साइड दिस प्लेस एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस प्लेस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेसेज इन डेली बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है. एंड सेकेंड चीज़, आपने PK मूवी तो देखी होगी ना, उसमें एक सीन देखा होगा जहाँ पे आमिर खान यहाँ बैठ के रोता होता है रात को, बारिश वारिश हो रही होती है, अंधेरा. दिस वॉज द प्लेस और यहाँ पे उस मूवी की शूट हुई थी. तो PK की तरह मैं भी यहाँ आके कभी कभी बैठा करती हूँ. सो लाइक आई सेड, इट्स माई फेवरेट प्लेस टू बी. बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं क्योंकि इट्स संडे, अ लॉट ऑफ टूरिस्ट हैव कम ऑलरेडी. बिफोर आई गो इनसाइड, अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री एंड डिटेल्स अबाउट दिस प्लेस व्हिच आई वांट टू रीड. फादर ऑफ अग्रवाल कमिटी हैज द नेम अग्रसेन की बावली, जिसको हम लोग अग्रसेन की बावली भी बोलते हैं. बहुत सारे डिटेल्स हैं विच आई ट्राई एंड पुट इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर यू रीड इट देयर. फिलहाल के आई वांट टू गो इनसाइड एंड चिल. कितनी भी बार आ जाऊँ नेवर फेल्स टू अमेज मी. नेवर सो मेनी पीपल टेकिंग फोटोग्राफ्स हियर. एज आई सेड इट्स संडे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ भी मिलेंगे.
फिलहाल मैं मेरे लिए अभी इंस्टाग्राम की पिक्चर लेने जा रही हूँ, सो मेक श्योर यू गाइस चेक माई इंस्टाग्राम। दैट वॉज अग्रसेन की बाउली। संडे का आफ्टरनून हो चुका है और लाइक रियली रियली क्राउडेड। आई एम हेडिंग फॉर अ फोटो शूट राइट नाउ एज यू कैन सी। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो होम, चेंज, डू माई फोटो शूट, और फोटो शूट के बाद आई विल कंटिन्यू व्लॉगिंग, क्योंकि मैं फोटो शूट का व्लॉग नहीं कर सकती हूँ। सो आई सी यू गाइज इन द इवनिंग। सो वन धन्यवाद मेट इन आगरा ताजमहल पे, धन्यवाद मेट टुडे एट अग्रसेन की बाउली। I already feel so exhausted and I feel that I'll go to this place, Antidote Cafe. Looks pretty new. Let's go. Hi. A lot of healthy options here. Some smoothies, cold pressed juices, oats, fruit salad. Okay, one goodness of green and twisting fruit. So I had some freshly prepared juice and now I'm gonna get my tattoo, for which I'm really very excited. So I'm heading to hauz khas village from here, jahan pe I'll get my tattoo done, so come with me. So as you can see, I'm in hauz khas and I'm going to get a tattoo today. I'm so excited for that. And I'm already at this place called Rebelling Tattoo. I've featured them even in my previous video on hauz khas village, because this guy, he does amazing tattoo. He has done all my piercing tattoos and all. So this is the third tattoo I'd be getting. Come. So guys, he's Noel, my friend from Rebelling. And he has done my wrist tattoo and all these piercings. Already see, he has done it. So this tattoo I got long back, I think in 2011 or 12. And last year, Noel did one tattoo here. This is the needle. So dekh ke mujhe bahut zyada dar lag raha hai. But I'm pretty excited because it's a tattoo. It's going to be with me forever. Guys, I will not say कि tattoo is बहुत ज़्यादा painful या फिर बिल्कुल भी pain नहीं होता, bearable pain है, आप bear कर सकते हो। It's like थोड़ा सा pain in the beginning, obviously needle जा रही है body के अंदर तो थोड़ा pain तो होगा, but it's really bearable and this is the third tattoo I'm getting and I have a massive one on my this thing. Noel only has done that last year. It's very important कि जब आप कहीं भी tattoo कराते हो ना, that place has to be very, how do I put it, hygienic, and you have to make sure ki wo needle na disposed karke wapas, matlab reuse nahi ho rahe ho needle. I come here because I trust him. It's not that he has given me money or anything, trust me guys, because I'm taking the pain right now. It's just that I trust him, I trust his work, pretty amazing. Right now I'm not looking there because mujhe dekhna hi nahi hai, wo end mein bilkul final thing I want to see. Guys, my tattoo is done. कितना टाइम लगा, आई थिंक इट वॉज हार्डली 10 मिनट्स। नॉट से इट वॉज नॉट पेनफुल एट ऑल, आई कुड बेयर इट, इट वॉज ओके ओके काइंड ऑफ पेन। एंड मोर ओवर यू नो फॉर टैटूज पियर्सिंग एंड ऑल, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती रहती है कि 10 मिनट का पेन झेल लो, जो अभी लाइफ टाइम बस वो सोच के आई टेक द पेन। आई थिंक इट हैज कम अप रियली नाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट हाउ यू लाइक द डिज़ाइन। ऐसा हर एक काम करने के बाद मुझे लगता है ना, आई एम जस्ट परफेक्ट टू बी देसी गर्ल ट्रैवलर। आई मीन नॉट इन द सेंस कि ये टैटू करवाया तो मैं देसी गर्ल ट्रैवलर नहीं हूँ, इट्स इन द सेंस कि मैं आई कैन टेक एनी पेन इन माई लाइफ। एनी वेज, आई एम गोना टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस टैटू एंड ऑल लेटर। राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, सो आई एम गोना सेलिब्रेट, मे बी आई ईट समथिंग बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, बाय बाय।